भोकाल जी, मुझे लगता है अगर हम किसी भी रियलिटी शो के जज हुए तो हमें चालबाजी का कंपटीशन तो जीत ही जाएंगे। नंबर वन होंगे, फर्स्ट प्राइज हमें मिलेगा। लेकिन हमें इस वक्त उस किशन के गिरे हुए पिटे हुए चेहरे को देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही है, चलो ना। अरे सर, एक सेकेंड, लगता है जीजा जी ऑलरेडी साले से पिट चुके हैं। एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ? स्पीकर मोड पे रखना, हम उसकी दुख भरी आवाज सुनना चाहते हैं। स्पीकर। हाँ जय। हाँ भाई प्रेम, ये क्या गड़बड़ हो रखी है? पिंचू इतने गुस्से में क्यों आके बैठा हुआ? यार मैं तेरे को फोन करने वाला था यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। भाई केड़ी गड़बड़? तूने तो कहा था तूने सारी सेटिंग करा रखी है। अरे यार मैंने तो पूरी सेटिंग कर रखी है, लेकिन लगता है किस्मत हमारे साथ सेटिंग नहीं कर रही। जय यार, भाई पिंचू किसी गलत ऑडिशन में घुस गया। वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए इंसान का बच्चा कोई मुर्गी का चूजा ना है जो कहीं भी घुस जाएगा। तूने जो एड्रेस दिया था वही तो मैंने उसको दे रखा था, वो वहीं पहुंचा होगा। अरे भाई उस स्टूडियो में दो अलग अलग ऑडिशन चल रहे थे, एक तो वो लार्ज साइज के मॉडलिंग ऑडिशन चल रहे थे जहाँ पिंचू को असली में जाना था। पिंचू वहाँ तो गया नहीं, पिंचू चला गया किसी राउडीज नाम के कोई रियलिटी शो में। अरे यार वहाँ अजनबियों के सामने जो नाच नाच के उसने अपनी इज्जत तो उतरवाई है, उसके बारे में क्या बताऊं तेरे को यार। भाई तुझे इतनी डिटेल कहाँ से पता चल रही है? अरे मुझे क्या, पूरे स्टूडियो को पता लग गया, पूरे स्टूडियो में फेमस हो गया। लोग तो यहाँ तक कह रहे थे यार कोई जीजा अपने साले के साथ ऐसा ना करे ना करे। बता, लेकिन तू घबरा मत, तू टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा पिंचू को सेट करने का। हेलो 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 हेलो। एक बात बोलूं तुझे, तू मानेगा नहीं लेकिन लिख के ले ले तू, ये प्रेम एक नंबर का झूठा है। तेरी बैंड बजाने के बाद वो इस वक्त नाच रहा होगा फोन काटते। लिख के दे, जो कह रहा था तू लिख दे, लिख। प्रेम एक नंबर का उल्लू का है, ले। ठीक है भाई, आज के बाद ना जब जब मुझे इस चीज की जरूरत होगी मैं निकाल के पढ़ लिया करूंगा। मुझे ना बार बार बोल के सुनाना बंद कर। यहां पर मेरे पास टाइम नहीं है सोचने का कि प्रेम सही कह रहा है या गलत कह रहा है। इस वक्त वो टेंशन नहीं है यार, इस वक्त टेंशन ये है कि भाई मुझसे नफरत करने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। ट्विंकल सिंपल डिंपल, मेरी मम्मी, कपूर पापा, तो कपूर पापा का ट्रैक्टर, सारे के सारे। अरे मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तू डर मत, चिंता मत कर, पॉइंट ये है कि तूने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए तुझे डरने की जरूरत है ही नहीं। सीधा जा पिंचू के पास और माफी मांग ले, मामले को सुलटा दे। तू जा, तू जा, माफी मांग, मामला सुलट जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, जा भगवान का नाम लेके जा 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 जा। उफ, हे भगवान, मेरे दोस्त को पिंचू के गुस्से की आग का सामना करने की शक्ति देना। शाबाश पिंचू, आज कपूर परिवार का ये बदला पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। इन्होंने पराई लड़की के साथ चक्कर चलाया। नहीं पिंचू, काटते रस्सी। हाँ दीदी। पिंचू पिंचू, अरे 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 शंकर जी, क्या हुआ? मैं हूँ, कोई बुरा सपना देखा आपने शायद? जी ट्विंकल जी, अत्यंत बुरा सपना। ऐसा क्या देख लिया आपने? बहुत डर गए आप शायद। और ये आप पिंचू पिंचू क्यों चिल्ला रहे थे? पिंचू? अब हम क्या बताएं ट्विंकल जी कि हमने क्या स्वप्न देखा? बताइए ना शंकर जी, क्या क्या देखा? मैंने ना एक बुक पढ़ी, अपनों के सपनों का रहस्य। किसके? सब्जी का रस? सब्जी का रस नहीं, अपनों के सपनों का रहस्य। आप मुझे अगर अपना सपना बताएंगे मैं आपको उसका मतलब समझा दूंगी शायद। पक्का बताएंगे? हाँ पक्का शायद। नहीं नहीं नहीं, नो शायद, पक्का पक्का। हम क्या बताएं ट्विंकल जी, हमने स्वप्नों में देखा कि आपका भ्राता छोटू मोटू पिंचू रस्सी से लटका हुआ है, उसके नीचे अग्नि कुंड है, अग्नि कुंड की अग्नि भभक रही है,
लिपट रही है, पिंचू को खाने के लिए तरस रही है, और तभी पिंचू की रस्सी कट जाती है। पिंचू अग्नि कुंड में समाने जा रहा है। हम उसे बचाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, परंतु हम उसे नहीं बचा पाते, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, और वह अग्नि में गिर जाता है। अच्छा, हाँ, कितना क्यूट सपना देखा आपने शंकर जी। शायद यहाँ पर आपका छोटा भाई अग्नि कुंड में समा गया, इसमें क्यूट क्या है? नहीं शंकर जी, पिंचू को लेके आपकी चिंता क्यूट लग रही है। अच्छा हाँ, अब सुनिए, आज जो पिंचू के साथ बुरा हुआ ना, आपने वो अपने सपने में आग के रूप में देखा, और आप उसको नहीं बचा पाए, इस चीज का गिल्ट आपके अंदर रह गया। शायद आप पिंचू से कितना प्यार करते हैं। शायद जी, बहुत अधिक प्रेम है हमें पिंचू से। हमारा तो मन करता है कभी कभी कि इस प्रेम में हम पिंचू का गला दबा के, हाँ? पिंचू को ऐसे दबा के गले लगा लें, ऐसे दबा के। अब हमें शायद निद्रा ना आए, हम ताजी हवा में चहलकदमी करके आते हैं। आप सो जाइए, हम आते हैं। भाई इसी तरह चलता रहा ना तो पक्का लोग मुझे भुट्टे की तरह भून रहे होंगे। पता नहीं क्या ही करना है मुझे। हनी, आप क्या यहाँ पर दीवार पे टंगे हुए हंस रहे हो? यहाँ पर तीन तीन रोल कर करके धज्जियां उड़ी पड़ी मेरी जिंदगी की। ये नहीं कि कभी ऊपर से चिट्ठियां लिख दिया करो। बता दो क्या करना है, क्या नहीं, कोई आइडिया लिख के भेज दिया। क्या है, मैं भी किससे बात कर रहा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? शंकर पुत्र। हाँ अंकल। ओए अंकल नहीं, मैं तेरा प्यो। ज्वाला, भूत नहीं, सच में तेरा प्यो। एथे आ। हो तुझे शंकर कहूं या जय, तुझे जय कहूं या किशन, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। ओए मैं ऐसे सपने देखा करता था कि तुम मेरा नाम रोशन करेगा। ओए तूने तो मेरा नाम गटर या पानी में डुबा दिया नालायका। मैं नालायक? मैं अपने मम्मी के लिए यहाँ पर तीन तीन बेटों की जिंदगियां जी रहा हूं, और आप मुझे नालायक बुला रहे हो? कैसे टाइप के पापा हो यार आप। पापा आपको तो मैं कह रहा हूं, मैं अगर अपनी उंगली भी काट के दे दू ना आपको, तो आप यही बोलोगे तूने तो छोटी उंगली दे दी, और बीच की उंगली क्यों नहीं देता। क्या करूं मैं, क्या करूं जिससे आप खुश हो गए हैं? चुप कर, होते हैं नेस्ते हैं। और दीवार पर टंगी तस्वीर के साथ राती बैठ के गप्पे हाँक रहे, और मुझसे पूछता है कि मुझे चाहिए क्या। और मेरी तो तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है, लेकिन तेरे अगल बगल तो जिंदा लोग हैं ना। और मैं ऊपर से बैठ के देख रहा कि तुझसे कोई भी खुश नहीं है भाई। अब सबको खुशी तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा कोई खुश। ऊपर से मेरे जिंदगी में कोई खुशी आ जाए, बैठे हुए लोग जिनको बर्दाश्त नहीं होता। बजाओ किशन की बैंड। ओए कौन है वो लोग? ओ है ना यार भोकाल, जीना हराम कर रखा है, और उसके बाद वो कम था प्रेम आया हुआ है। मुझे तो पहले लग रहा था सही टाइप का आदमी है, अभी भी लगता है सही है, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा। बब्बर कहता है वो मेरा दुश्मन है, मुझे तो पता चले
नहीं पता चल रहा मैं क्या करूं। होए, दोस्ती और दुश्मनी में फर्क करने के लिए और मेरे पास एक बेहतरीन फॉर्मूला है। होए आजमाले वो फॉर्मूला। केड़ा 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 फॉर्मूला बताओ जल्दी। होए दोस्त और दुश्मन में एक ही फर्क होता है। होए जो दोस्त होता है ना वो तेरे अपनों को घर वालों को परिवार वालों को हमेशा खुश रखता है। होए उसके वजह से सब लोग तेरे अगल बगल मुस्कुराते हैं। होए और दुश्मन वो होता है जिसके वजह से ये सारे लोग रोते हैं। और घर वाले दोस्त और सब रोते हैं। होए कल एक इम्पोर्टेंट काम सेट करना है अपने प्यारे दोस्त जय का। कैमरा हो गया है सेट, मिशन हो गया है चालू। मिशन इस चालू प्रेम के सारे राज खोलने का। शंकर जी, किशन जी, सिंपल जल्दी नीचे आओ, देखो मम्मी जी क्या कर रही हैं। अरे यार क्या हो गया आपको, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ है मम्मी जी को? मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, शायद तू खुद ही चल के देख ले, शायद। चल जल्दी चल। क्या हुआ है? खा ले, भूख लगी है तुझे, भूख लगी है हाँ? आज तक मेरे पराठे खाए हैं तूने, अब तू डंडे खा ले। भूख लगी है तुझे, भूख लगी है, डंडे खाने लायक ही है तू। और खा और खा और खा और खा ले और खा ले और खा ले। दी, ये मम्मी जी को क्या हो गया है? ये तुझे बोल रही थी। मम्मी जी ये क्या कर रहे हो आप, जय जी के पुतले को क्यों मार रहे हो? हाँ मम्मी जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए शायद। बिल्कुल माते, देखिए भाभियों को भी जय भ्राता की कितनी चिंता है। अरे चिंता नहीं है हमें, हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि मम्मी जी अपना गुस्सा ना असली जय जी के लिए बचा के रखिए। हाँ मम्मी जी, और नहीं तो क्या, पुतले को मारने से ना आपका गुस्सा वेस्ट हो रहा है शायद। कैसी विचित्र बातें कर रही हैं आप दोनों। बिल्कुल सही बातें कर रही है मेरी बहुएं, ये सपूत नहीं कपूत है। माते माते माते, हमारा अनुज जय कपूत नहीं वाकई में सपूत है। अगर तूने उसकी साइड ली ना तो तू भी डंडा खाएगा। उसकी माँ होने के नाते मुझे भी लगता है कि मैं उसकी साइड लूं, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ उसकी माँ नहीं हूँ, मैं मेरे बहुओं की सासू माँ भी हूँ, और उनको इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है कि नहीं है, बोल। हाँ मम्मी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शायद। शायद नहीं दी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं, एकदम करेक्ट बोल रहे हो मम्मी जी आप। तो माते एक बार जय भ्राता को मौका तो दीजिए कि वो ये साबित कर सके कि वो निर्दोष है। अगर मौका ना मिला तो वो साबित कैसे करेंगे? ठीक है, दे देती हूं उसे एक मौका। आज दिवाली है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। अगर ये खुद को निर्दोष साबित करके रात तक मेरी बहू को ले आया तो ठीक, नहीं तो आज से मेरे सिर्फ दो पुत्र रहेंगे, बोल दे जाके तेरे भाई को। अब रात तक कैसे लाऊं अपने बेगुनाही का सबूत?
आज मैं छोड़ूंगा नहीं जय जीजाजी को। बिल्कुल मत छोड़ियो जय को, तू एक काम कर, पहले इस आइसक्रीम को मत छोड़, इस आइसक्रीम को जय समझ के खा जा, निकल जा अंदर ही अंदर। शाबाश पिंचो। ए, तेरे घर के आगे लाइन क्यों लगी? पता नहीं, ये लाइन क्यों लगा रखी है यहाँ पर तुमने? मैडम का पार्सल देना है। पार्सल? इतने सारे पार्सल? पिंपल जी, क्या है इसमें? ये मैडम वो 12 सैंडल है जो ऑर्डर करी थी आपने। ठीक है, ये लो जय खन्ना का कार्ड और स्वाइप कर दूं। यार इस नैन सुख बताएगा कोई कि हो क्या रहा है? शॉपिंग हो रही है पापा जी, और वो भी जय जी के क्रेडिट कार्ड से। मैं शॉपिंग कर करके ऐसा बैंकरप्ट कर दूंगी ना जय जी को कि सारी गलतियों का ना पछतावा हो जाएगा उन्हें। अब करेक्ट पुत्र, और तू ना दिवाली में उसका ना दिवाला निकाल दे। और सुन, मेरे लिए भी ना 5-6 शर्टें ऑर्डर कर दी। लाया हूँ ना सर, आपके लिए भी शर्ट जो मैडम ने ऑर्डर की है। ओए 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 ओए, वो ला यार मेनू दिखा। अब मेरा मतबल है कि मैं छूना चाहता हूँ। किधर है डिंपल? ये सब करने से तुम्हारे मन को शांति ना मिलेगी डिंपल। मैं तुम्हारा गुनेगार हूं और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुमको जो सजा देनी है मुझे दे दो, मेरे क्रेडिट कार्ड को ना दो। सजा तो आपको मैं दूंगा जय जीजाजी। जीजाजी आपको संभाल। प्रेम जी छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो प्रेम जी, मुझे इनके सीने के ऊपर बैठ के आइसक्रीम खानी है, छोड़ो मुझे प्रेम जी। पिंचू रुक जा, जैसे भी है तेरे जीजा जी है ये, तू इन पर हाथ नहीं उठाएगा, रुक जा। थैंक यू डिंपल बेबी। बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूँ। तुम्हारे बिना घर घर जैसा नहीं लगता, बहुत ही सुना सुना हो चुका है। मैं जानता हूँ मेरे वजह से तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है डिंपल, लेकिन मेरा यकीन करो, जो कुछ तुमने देखा वो सब कुछ गलतफहमी है। और मैं सबके सामने या पूरे मोहल्ले में अपने घुटनों पे टिक के तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो, या तो तुम मुझे आज माफ कर दो या अपने इस भाई पिंचू से कह के मुझे साफ कर दो। तुम ही बताओ, तुम्हें मुझे माफ करना है या साफ करना है? पैदा नहीं होता जीजा जी। आपको क्या लगता है आप मीठी मीठी बातें करके माफी मांग लोगे और दी माफ कर देगी? जीजा जी, सिर्फ बातों से ना गलतियां नहीं ढकती हैं, और जो दीदी ने देखा उसका क्या? हाँ, अब अगर आप गलत नहीं है तो बताइए कौन थी वो लड़की और क्या कर रही थी सुबह सुबह आपके साथ आपके कमरे में? सच कह रहा डिंपल, भाभी मुझे नहीं पता वो कौन थी, कसम से मुझे कुछ ना पता। अगर पता नहीं है तो पता करिए ना जय जी, क्योंकि बिना वजह जाने तो माफी मिलेगी नहीं आपको। और अगर आपको नहीं पता ना तो उस लड़की को तो जरूर पता होगा, आप लाइए ना उसे मेरे सामने। अब जब तक वो लड़की मुझे नहीं कह देती कि आपने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तब तक माफी नहीं मिलेगी आपको।
एक और बात, अब जब आप मेरे सामने आएंगे ना, उस लड़की के साथ ही आना, वरना आना मत। कहां से लाऊं मैं उस लड़की को जब मैं जानता ही नहीं कौन है वो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.